देखिए दोस्तों, एक्सीडेंट हुआ है यार, एक ट्रक पलटा हुआ है। देखिए वहाँ जद हमको नदी आ गई और गाड़ी बीच में मेरी खज्जी हला। अरे गाड़ी आधी धुलो ना निकालो मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम धीरेन सेंडे और आप देख रहे हो धीरेन सेंडे ब्लॉग। देख सकते हो दोस्तों मैं अभी कहाँ पर हूँ, ये देखिए। और पीछे साइड में भैया गाड़ी भी धुल रहे हैं। मैं हूँ इस समय नदी पे, पगारा की नदी। कौन सी नदी है? सुकरी नदी, पगारा की सुकरी नदी में। और देखो पानी कितना मस्त चल रहा है इसमें, अभी मस्त पानी रखो। और दोस्तों मैं सुबह कितने बजे आ गया था? मैं 10:30 बजे ना, 10:30 बजे यहाँ आ गया था। थोड़ा एक मित्र है उनके यहाँ नानी की अंत्येष्टि में आया हुआ था। और पानी देखिए, पैर तक देखिए मेरे पानी। आहा, हालांकि ठंडा पानी नहीं नहाता मैं। नज़ारे देखिए कितने प्यारे नज़ारे, ब्यूटीफुल। तो भैया पहले आ गए थे, वैसे तो ये गाड़ी यहाँ ला ली है नदी में। मैंने देखा मैं जा रहा था घर के लिए, तो ये दिख गए यहीं पर। तो मैं थोड़ा आनंद लेने के लिए यहाँ रुका था। तो पानी देखिए कितना मस्त रखा है पानी गाड़ियाँ। कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है। इन नज़ारों को देखिए दोस्तों, पानी देखो कल कल करता हुआ पानी। पर देखिए मेरे पैर कितना है पानी में डूबा हुआ। इन नज़ारों का क्या कहना, चारों तरफ हरियाली हरियाली और बीच में पानी, नदी है ये सुकरी नदी। और मैं रुका हूँ यहाँ पर, मैं भी अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा। हाँ तो मैं भी थोड़ी देर से यहाँ से निकलूँगा पानी। फुल इंजॉयमेंट पानी में। चलो तो ठीक है ना, मैं निकलता हूँ। हाँ 2:30 बजे बोले सेट ने, 12 बज रहे हैं अभी। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से चलता हूँ घर के लिए। घर पे थोड़ा फिर नहाएंगे धोएंगे खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। ठीक है, निकल रहा है ना? ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए, उसके बाद चलते हैं सीधे घर। और ये देखिए रास्ते नदी में आने का, ये पानी देखिए कितना, आधा पुल भरा हुआ है इधर साइड में पानी। और सामने खड़ी है गाड़ी रोड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं गाड़ी के पास आ गया हूँ, अब यहाँ से मैं निकलता हूँ सीधे रोड पे। ये देखिए नज़ारे देखिए दोस्तों कितना मस्त,
पानी के तमस चल रहा हुआ है। दोस्तों मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, देख सकते हो आप नज़ारे, नज़ारे ये देखिए, रोड के नज़ारे देखिए, पूरा हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ, और ये छोटे छोटे गांव से ऐसे मौसम दोस्तों बहुत काफ़ी देखने को मिलते हैं ऐसे नज़ारा। अगर आप साइड वाले ट्रक में रखा रहा है। भाई इसी में एक्सीडेंट होते हैं, तो गाड़ी को थोड़ा हिसाब से चलाएं, टर्नों को हिसाब से काटें तो एक्सीडेंट ना हो तो ही अच्छा है, घर वाले आपकी प्रतीक्षा करते हैं। और ये नदी का कुछ यारा नज़ारा है, नदी के साइड का, यहाँ मछली पालन, इधर मक्के की दुकान, ये देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है दोस्तों। और ये नदी में आ चुका हूँ, नदी में मस्त पानी निकल रहा है। गया सारा जितना भी था, और अभी खाना खा पी कर आराम किया थोड़ी देर, और मुझे अब निकलना है काम में, ऑर्डर आ चुका है तो ऑर्डर में निकलना है मुझे, और मुझे तैयार होना है। अभी कुछ देर मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद तैयार होकर निकलूँगा। तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा था कि मुझे रास्ते में जब मैं आ रहा था तो एक ट्रक, जाते टाइम तो नहीं, आते टाइम मुझे एक ट्रक पलटी हुआ दिखा, मतलब टर्न थे, जो टर्न वाली जगह होती है वहाँ पर ट्रक तेज रफ्तार में रहा होगा, जो भी कंडीशन में रहा होगा, ड्राइवर किस कंडीशन में था, निकला होगा किस कंडीशन में नहीं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी छोटी बड़ी गाड़ी हो, तो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जो भी चलाने वाले रहे हो, तो बड़ा हिसाब से चलाया करो यार, क्योंकि दोस्तों आपके घर में आपके माँ बहन भाई सभी लोग आपकी रास्ता देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है ट्रक वालों की लाइफ जो होती है बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत घर पे बहुत कम रह पाते हैं, एक दिन दो दिन मुश्किल से, बाकी टाइम ट्रक में ही गुजरता है। इसलिए कहता हूँ कि
ज़्यादा अच्छे से सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं। पलट देखा पूरा उस साइड में पलट गया था, अच्छा हुआ कि वहाँ जगह थोड़ी सी सही थी तो किसी को कुछ हुआ नहीं होगा। अगर खाई वाली जगह होती, डाउन वाली जगह होती तो क्या होता। सभी ड्राइवरों से निवेदन है कि गाड़ी को अपनी गति में ही टर्निंग काटें, कम गति में टर्निंग काटें, सुरक्षित गाड़ी चलाएं, सुरक्षित रहें, और बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ एंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑर्डर में, तो वहाँ मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब बखेर। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। सब्सक्राइब तो कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन अच्छा बढ़ेगा और मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब बखेर, गुड बाय।